देखिए ये जो पूरी की पूरी घटना है इसमें पीड़ित लड़की की तरफ से जो जानकारी प्राइमरली अनेक मीडिया रिपोर्ट्स से और सूत्रों के माध्यम से आयोग को पता चली है उसके अनुसार इस लड़की का कई दिनों तक कई लोगों द्वारा बलात्कार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हुई। गर्भ ठहरने की जिम्मेदारी तो एक आदमी की होगी, बलात्कार करने वाले अनेक लोग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का यह बयान इस तरफ इशारा करता है कि केवल एक आदमी को पकड़ लीजिए, यानी कि उनके चहेते लोगों को छोड़ दीजिए। ये बयान ऐसे स्पॉन्टेनियस दिया गया बयान नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरोपी को बचाने के लिए चालाकी से दिया गया बयान है। स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या रेप केस के बीच अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई के दावे किए हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही ऐसी दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी मांग कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं में डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ देने की मांग की। उन्होंने जौनपुर में एक लड़की से हुए रेप की घटना का जिक्र करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की और कहा कि अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। सपा प्रमुख ने लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी है उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए और यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के साथ जौनपुर की लड़की से चलती कार में गैंगरेप की घटना का जिक्र किया जिसमें उसे खून से लथपथ हालत में वाराणसी में फेंक दिया गया था। लड़की का आरोप है कि 3 बदमाशों ने उनका अपहरण किया था जिसके बाद उसे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोइन खान की बेकरी को सील कर उस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मोइन खान पर आरोप है कि उसने पीड़िता को काम देने के बहाने बुलाया और नौकर के साथ मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी सपा नेता ने उनका अश्लील वीडियो भी बना लिया जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करके कई बार हवस का शिकार बनाया गया। मामला का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इस मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी थी।